इन्वर्टेड कामा पहले है, माय सन्स बंद, इन्वर्टेड कामा खुला, इन्वर्टेड कामा बंद, कामा सेड द ओल्ड मैन, कॉमा इन्वर्टेड कामा में आई एम गिविंग ए गिविंग यू ए लेसन ऑन यहाँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बताई गई थी उस दिन कि जब किसी वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वर्ड है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, ये रूल लिखवाया गया था ना स्पेशल रूल में। अब पहले इसमें क्लियर करो कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अलग है, रिपोर्टेड स्पीच अलग 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 है, लेकिन बीच में रिपोर्टिंग वर्ब घुस गया है। यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कामा में है, और यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कामा में है। बीच में देखो ये जो है यही रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जब तक हम इसको सीधा नहीं लिखेंगे हमको साफ साफ नहीं समझ में आएगा। तो क्यों ना हम इसको पहले सीधा लिख लें, यानी हमारा सीधा सेंटेंस क्या बनेगा, द ओल्ड मैन, सॉरी, द ओल्ड मैन सेड। अब देखो यहां पर क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है ना, हमने कहा है कि इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन इसको एड्रेसिंग भी बनाते हैं, क्योंकि जिसने भी कहा उसने कहा मेरे बेटे या मेरे बेटों, ऐसा कहा ना, संबोधन संबोधन भी तो हुआ। तो यदि संबोधन किया गया कोई शब्द आ जाता है तो हम उसको एड्रेसिंग के साथ लगाते हैं, ये भी रूल लिखवाया गया है। ये संबोधन भी है ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि अपने बेटों को बुलाया तो बेटों के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा बताइए, देम, दे, दे सब्जेक्ट बनेगा। सन्स यानी बहुवचन का नाउन हो, कोई प्लूरल नंबर का नाउन हो तो उसके लिए ऑब्जेक्ट लेना हो तो क्या आएगा, देम, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। इसका मतलब यहां पर आप ये लिख देंगे सेड टू देम, उसे देम नहीं आएगा इसमें, क्यों देम यहां नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि पहले नाउन आता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ही डाल दो, रहने दो एड्रेसिंग ना। क्या करना कि ये जो रिपोर्ट, ये जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ एड्रेसिंग वाला शब्द है उसको रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना दें, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो माई है ये किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ओल्ड मैन, यानी ही का हो जाएगा हिज, क्योंकि माई बदल जाएगा हिज में, तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हिज सन्स, यहीं पर डाल दो, काम बात जो है सरल हो जाएगी। और बाकी इन्वर्टेड कामा के अंदर तो ये सारी चीजें आ जाएंगी अब, क्योंकि ये आ गया अपने जगह पर। तो द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन्स, और इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा आई एम गिविंग यू ए लेसन ऑन, सॉरी, ऑन यूनिटी। अब तो सरल हो गया ये, आप बना सकते हैं, बना के बताइए क्या होगा, यानी हो जाएगा द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट, आई गया ओल्ड मैन के पास, हो गया ही वाज गिविंग, यू गया सन्स के पास तो हो गया देम, अब यहां यू सन्स के अनुसार हो गया तो देम हो जाएगा, वाज गिविंग देम ए लेसन ऑन यूनिटी। हो गया, द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट ही वाज गिविंग देम ए
लेसन ऑन यूनिटी।